बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू की फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है। कौन सा जी? किरचॉफ रूल्स। जी हाँ बच्चों, किरचॉफ रूल्स क्या होते हैं, किस लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा टारगेट है एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आगे किरचॉफ रूल्स में भी इस्तेमाल होगा कि हमारे पास सिंपल सर्किट क्या होता है और कंप्लेक्स सर्किट क्या होता है। पहले इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। पहले हम सीखेंगे सिंपल सर्किट और कंप्लेक्स सर्किट, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किरचॉफ रूल्स को। आइए जरा देखते हैं सिंपल सर्किट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस सर्किट को ऑब्जर्व कीजिएगा। आपके पास एक अदद रजिस्टर है यहाँ पे R, एक मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। डियर स्टूडेंट, ये चंद रेजिस्टेंसेस लगी हुई है यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे एक अदद मैंने लगा दिया वोल्टेज सोर्स, इसको R1 कह लें, R2 कह लें, R3 कह लें, R4 कह लें, और इसी तरह R5। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का सर्किट जिसमें जस्ट एक वोल्टेज सोर्स हो, जबकि रेजिस्टेंसेस जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, उस तरह के सर्किट को आप बोलते हैं सिंपल सर्किट। अगर यहाँ पे ये नीचे तरह देखिएगा, ये एक सर्किट को आप ऑब्जर्व करें, ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये सर्किट भी बच्चों क्या है, एक अदद सिंपल सर्किट है। मतलब क्या है, डिफाइन देखते हैं। सिंपल सर्किट इलेक्ट्रिकल मे कंसिस्ट मोर देन वन रजिस्टर, एक हो सकता है या एक से ज्यादा रजिस्टर हो सकते हैं, बट ए सिंगल वोल्टेज सोर्स, लेकिन उसमें जो वोल्टेज सोर्स हो वो सिंगल हो, तो आप इस तरह के सर्किट को बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, जिसमें रजिस्टेंस एक या एक से ज्यादा हो सकती है, जबकि वोल्टेज सोर्स क्या होगा, सिंगल होगा। अब बच्चों, एक वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंसेस चंद हैं, तो आप इसको सोल्व कैसे करते हैं। इनको सोल्व करने के लिए दो पॉइंट याद रखिएगा, आप इनको सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। मतलब अगर आपको कहा जाए कि इस सर्किट में करंट फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर करके आप रेजिस्टर की वैल्यू पुट करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। या आपके पास इनको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब जरा इस सर्किट को देखिए, इसमें रेजिस्टेंसेस ज्यादा लगी हुई है, आप इन दोनों को सीरीज करके फिर इसके साथ पैरेलल करके, ये तीन फिर सीरीज हो जाएंगे, आप एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करेंगे, फिर यहां पे वोल्टेज सोर्स होगा, आप उसकी वैल्यू पुट करके करंट जो है इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सर्किट क्या है, ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स वन होगा, रेजिस्टेंस एक या इससे ज्यादा हो सकती है, इस तरह के सर्किट को सिंपल सर्किट बोलते हैं। अब दूसरा है कॉम्प्लेक्स सर्किट। ऐसा सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, जिसमें रेजिस्टेंसेस एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, एंड नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, मतलब इसमें वोल्टेज सोर्स जो है वो एक से ज्यादा होंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या है, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंसेस ज्यादा और वोल्टेज सोर्स जो है वो भी एक से ज्यादा होंगे, इस तरह के सर्किट को आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट। आइए जरा इस तरह के भी सर्किट ड्रा करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ये रेजिस्टर है, ये वोल्टेज सोर्स है जी यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें दो वोल्टेज सोर्स आ गए, मजीद इसका कोई थोड़ा सा लूप और बना लें, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर यहाँ पे है। डियर स्टूडेंट, अब जरा नोट फरमाइएगा, इसमें तीन सोर्सेज हैं, E1, E2, E3, इतना R1, R2, R3 और R4। ये सर्किट जो है अब आप सिंपल जो है वो ओम लॉ से हल नहीं कर सकते, तो इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी सोल्व बाय किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल्स दो हैं बच्चों, किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल। ये हमारा आगे का टारगेट है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सिंपल सर्किट, रजिस्टर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जबकि वोल्टेज सोर्स सिंगल होगा। कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन से होते हैं, जिनमें रेजिस्टेंसेस ज्यादा हो तो होंगी होंगी, लेकिन वोल्टेज सोर्स भी जो है वो एक से ज्यादा होंगे, तो ऐसे सर्किट्स को आप क्या बोलते हैं,
कॉम्प्लेक्स सर्किट। सिंपल सर्किट्स को बाय ओम ला हम सॉल्व करते हैं या सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम किरचॉफ रूल्स की मदद से हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था कॉन्सेप्ट सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे किस चीज को भला, किरचॉफ फर्स्ट रूल को और किरचॉफ सेकंड रूल।